कुकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो गाइज, आज मैं आपके लिए समर स्पेशल बहुत ही अच्छे अच्छे शॉर्ट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम चार अलग अलग तरीके के शॉर्ट्स बनाएंगे जो कि आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हो और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर चार अलग अलग फ्लेवर के शॉर्ट्स तैयार कर रही हूँ। एक तो हम रुआ अफ्जा से तैयार करेंगे, एक हम केवड़ा शरबत से तैयार करेंगे और एक हम तैयार करेंगे रोज शरबत से। इसके अलावा एक हम प्लेन नींबू और पुदीने से तैयार करेंगे आज का अपना ये शॉर्ट्स। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो हमें चाहिए खूब सारी आइस क्यूब। तो ये देखिए, मैंने बर्फ़ के टुकड़े ले लिए हैं। तो सबसे पहले आपको एक ग्लास ले लेना है और इसमें अपने बर्फ़ के टुकड़ों को ऐड करना है। अब आपको अपना केवड़ा वाला शरबत ले लेना है, ये जो मार्केट में ईजिली मिल जाता है। तो इसे आप लगभग यहाँ पर 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसमें डाल देंगे हम इस तरीके से नींबू कट करके, लेमन स्लाइस। और अब आपको यहाँ पे डाल देना है, आपके पास सोडा वाटर हो या फिर इस तरीके से लिमका है, जो भी कोल्ड ड्रिंक, तो उसे भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अब आप इसको इस तरीके से मिक्स कर दो। तो ये देखिए, केवड़ा फ्लेवर का हमारा शॉर्ट्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप ऊपर से पुदीने की पत्तियों के साथ गार्निश करके इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए, एक शॉर्ट्स तो हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब दूसरा रेडी करते हैं। तो दूसरे के लिए भी आपको इस तरीके से ग्लास ले लेना है, इसमें बर्फ़ के टुकड़े ऐड करने हैं। अब आपको यहाँ पर रोज शरबत ऐड करना है 2 चम्मच। ये देखिए, ये भी मार्केट में ईजिली मिल जाता है। ये देखिए, इस तरीके का बॉटल होता है। तो आप इसे समर में तो ला के ज़रूर रखो घर में, ताकि जब भी कुछ मन करे ना शरबत बनाने का, तो आप इसे बना सको। तो देखिए, अगर आप चाहें तो अलग से नींबू का रस भी निचोड़ के इसमें ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है पूरे तरीके से। मैं इस तरीके से स्लाइस ऐड कर रही हूँ और फिर से आपको इस तरीके से अपने ड्रिंक को डालनी है और इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए, हमारा दूसरा शॉर्ट्स भी तैयार है। तो देखिए, ये शॉर्ट्स भी हमारा तैयार हो चुका है, इसे भी साइड में रखते हैं। अब हम तीसरा अपना शुरू करेंगे शॉर्ट्स बनाना। इसमें भी आपको इस तरीके से बर्फ़ के टुकड़े ऐड करने हैं। अब आपको इसमें लगभग 2 चम्मच रू अफ्जा डाल देना है। ये देखिए, इसमें आपको डाल देना है लेमन स्लाइस और उसके बाद अपने इस ड्रिंक को डालना है। इसे भी मिक्स करके पुदीने की पत्तियों के साथ आप इसे सर्व करिए। तो देखिए, 3 तरीके के शरबत यानी कि शॉर्ट्स तो हमने तैयार कर लिए हैं। भाई, ये है हमारा चौथा। तो इसमें आपको थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ डालनी है, नींबू का रस डालना है, थोड़े से नींबू को कट करके इसमें डालना है। अब आपको नींबू को इस तरीके से और पुदीने को हल्का हल्का इस तरीके से दबा लेना है, ताकि ये अच्छे तरीके से थोड़ा मैश हो जाए इस तरीके से। और अब आपको इसमें डाल देना है अपना ड्रिंक। तो देखिए, यहाँ पे चार बहुत ही अलग अलग अंदाज में, बहुत ही अलग अलग टेस्ट के और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ड्रिंक्स यानी कि शॉर्ट्स तैयार हैं। आप इन्हें फुल इंजॉय करिए गर्मियों में, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए, आप भी इन चारों को ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे अच्छी कौन सी शॉर्ट्स लगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।